दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में लड़की की दिल दहला देने वाली मौत का मामला गर्मा गया है। लड़की के परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि रेप के बाद हत्या करने का मामला बताया है। परिवार का आरोप है कि ये पूरा केस निर्भया कांड की तरह है। मृतक लड़की की मां और मामा का कहना है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने बेटी के साथ हादसा होने की बात से पूरी तरह इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि बेटी के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था। पुलिस को इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच करने की जरूरत है। इसके साथ ही मां ने कहा कि उनकी बेटी घर में अकेले कमाने वाली थी। पिता का 8 साल पहले निधन हो गया था। घर में 2 और बहनें हैं, 2 छोटे भाई भी हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो गई है। मां ने बताया कि 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे बेटी घर से ये कहकर निकली थी कि उसे पार्टी यानी इवेंट कंपनी का कोई काम है। रात 9 बजे बेटी ने घर फोन किया और कहा कि रात का काम बाकी है, इसीलिए अब सुबह तक ही आ पाएगी, अभी काम खत्म नहीं हुआ है।